यूपी में बेहतर बिजली सेवाएं देने के नाम पर लगाए गए स्मार्ट मीटर ने बुधवार को अचानक से धोखा दे दिया। कई जिलों की बिजली व्यवस्था ध्वस्त हो गई। बताया जा रहा है कि शाम को स्मार्ट मीटर के सर्वर पर एक गलत कमांड दी गई। उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में लगे 10 लाख स्मार्ट मीटर में से 1.5 लाख मीटर की बिजली गुल हो गई और फिर रात 12 बजे तक बिजली गुल रही। जिन शहरों में सबसे ज्यादा बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई उसमें लखनऊ के साथ साथ वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, बरेली और मथुरा शामिल। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने यूपीपीसीएल चेयरमैन अरविंद कुमार को जांच के आदेश दिए हैं। मामले में अब तक 2 अधिकारियों पर गाजगिरी है। एसएल के प्रोजेक्ट मैनेजर आदेश सक्सेना और एलएनटी के प्रोजेक्ट मैनेजर शशिकांत अग्रवाल को सस्पेंड किया गया। यूपी में बिजली की दरों पर आयोग को सौंपे गए जनता प्रस्ताव के बारे में पूरे मामले पर राजनीति भी गर्मा गई है। प्रियंका गांधी ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि जनता कहती है कि यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई हैं। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज और कॉमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने की मांग एकदम जायज है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में लिखा कि किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी यूपी में बिजली की बढ़ी दरों पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि यूपी सरकार सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा रही है। बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार जयप्रकाश निषाद आज लखनऊ में करेंगे नामांकन। सुबह 10 बजे विधानसभा में नामांकन कार्यक्रम। अलीगढ़ पुलिस पर बीजेपी विधायक राजकुमार सहयोगी से मारपीट के आरोप। गोंडा थाने में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार हंगामा। अलीगढ़ मामले में सीएम योगी ने लिया सख्त एक्शन। एसओ सस्पेंड, एसपी देहात का ट्रांसफर। आईजी से तुरंत की रिपोर्ट। कौशाम्बी में पुलिस टीम पर हमलावर, लूटी पिस्टल, एक वाही जख्मी, कई आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल भी बरामद। जौनपुर का जवान कश्मीर के पुलवामा में शहीद, आज पैतृक गांव लाया जाएगा पार्थिव शरीर। सीएम योगी ने 50 लाख की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का किया ऐलान। वाराणसी की सभी पीएससी और सीएचसी के प्रभारियों ने एक साथ दिया इस्तीफा। अधिकारियों पर लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। 28 स्वास्थ्य अधिकारियों के एक साथ इस्तीफे से मचा हड़का। दिल का दौरा पड़ने से कांग्रेस नेता राजीव त्यागी का निधन। गाजियाबाद के अस्पताल में ली अंतिम सांस। कई नेताओं ने जताया शोक। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कांग्रेस का बब्बर शेर चला गया। यूपी के 16 जिले बाढ़ और बारिश से प्रभावित। 523 गांव के लोग बाढ़ से परेशान। सीएम योगी ने प्रभावित जिलों के अफसरों से बात की। राहत कैंप में भी कोरोना के जांच आदेश दिए। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में लकड़ी का पुल बनाकर नदी पार करने को मजबूर लोग। 15,000 लोगों की आबादी जोखिम में डाल रही जान। हादसे में कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। इलाके के नेताओं से लोगों को उम्मीद ही नहीं। अयोध्या के रोनाही में मस्जिद के निर्माण के लिए चांदी की ईंट भेंट करेगा निरंजनी अखाड़ा। हिंदुओं से अपील मस्जिद में भी सजदा करें। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी आशुतोषानंद ने बताया कि अयोध्या मस्जिद निर्माण समिति का गठन भी किया गया है। उन्होंने भविष्य में रामलला के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं से मस्जिद में भी मत्था टेकने की अपील की। बेंगलुरु हिंसा में एसजीपीआई नेता समेत 150 आरोपी गिरफ्तार। येदियुरप्पा सरकार अपनाएगी योगी मॉडल। राज्य के गृह मंत्री ने कहा दंगाइयों की जब्त होगी संपत्ति। श्री कृष्ण की भक्ति में सराबोर हुआ देश। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दिखा श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उल्लास। जन्माष्टमी को लेकर नोएडा के स्कॉन मंदिर में भी खास तैयारियां की गई थी। हालांकि कोविड गाइडलाइंस की वजह से श्रद्धालुओं को मंदिर में एंट्री की इजाजत नहीं दी गई। औरैया के मंदिरों में भी जन्माष्टमी की धूम रही। पौराणिक कथा के अनुसार यहां पर ब्लॉक के कुदरकोट कस्बा को कृष्ण की ससुराल के रूप में जाना जाता है। राम की नगरी अयोध्या में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम चारों ओर देखने को मिली। रामलला के अस्थाई भवन को भव्य तरीके से सजाया गया। बुधवार रात 12 बजे रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पंचामृत से स्नान कराकर मनाया। इस अवसर पर रामलला और भगवान श्री कृष्ण को 3 तरह का भोग लगाया गया। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से नाबालिग छात्रा की मौत। परिजनों का आरोप छेड़छाड़ से तंग आकर छात्रा ने की खुदकुशी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। झांसी में मऊ रानीपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाईवे पर लूटपाट करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। एक लड़की समेत 5 लोग गिरफ्तार।
जौनपुर में खंड शिक्षा अधिकारियों की परीक्षा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने जायज ठहराया। 51 परीक्षा केंद्र पर सकुशल परीक्षा कराने के जरूरी दिशा निर्देश दिए। बहराइच के थाना मोतीपुर क्षेत्र में मगरमच्छ ने शख्स पर किया हमला, व्यक्ति की हालत गंभीर। पकड़िया भिलौरी गांव का मामला। कानपुर में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। स्कूटी, सोने की चेन, मंगलसूत्र, 1 लैपटॉप, 1 तमंचा बरामद। बदायूं बिनावर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। घटपुरी इलाके की घटना। गौतमबुद्ध नगर में वाहन चोर के 2 आरोपी गिरफ्तार। फर्जी नंबर प्लेट की कार बरामद। थाना बिस्रक पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई। गौतमबुद्ध नगर की थाना इकोटेक पुलिस ने लूट करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 1 तमंचा, कारतूस, 2 चाकू बरामद। गौतमबुद्ध नगर में मोबाइल चोरी के आरोप में 4 लोग गिरफ्तार। चोरी के 4 मोबाइल, 2 चाकू बरामद। थाना सेक्टर 20 पुलिस की कार्रवाई। अमरोहा के थाना देहात क्षेत्र में एक शख्स किया अज्ञात बदमाशों ने अपहरण कर लिया। पीड़ित परिवार की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। आगरा के थाना सिकंदरा पुलिस ने किया शिशुपाल हत्याकांड का खुलासा। आरोपी सोनवीर गिरफ्तार। आरोपी की निशानदेही पर शिशुपाल का शव बरामद। प्रयागराज में पुलिस की वर्दी पहनकर फर्जी वसूली करने वाला आरोपी गिरफ्तार। फर्जी वर्दी पहन, पहचान पत्र, बाइक और कैश बरामद। नैनी पुलिस की कार्रवाई। लखनऊ में जिला जेल के 25 कैदी अचानक बीमारी के मामले में इलाज के बाद स्थिति ठीक बताई जा रही है। जेल सुपरिंटेंडेंट के अनुसार मामले की रिपोर्ट DIT जेल को भेजी गई। कानपुर के सचंडी में जुआ खेलने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। वायरल वीडियो में एक महिला समेत 3 लोग जुआ खेलते नजर आए। यूपी में बिजली की दरों को कम करने की मांग की जा रही है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से जनता का प्रस्ताव विद्युत नियामक आयोग को सौंपा गया। आगरा में सड़क हादसे में एक युवक की मौत, 2 अन्य घायल। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बाइक और ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा। वाराणसी में स्वास्थ्य विभाग के इस्तीफे की कॉपी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। PHC और CHC के प्रभारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने तालमेल नहीं। वाराणसी में चिकित्सा अधिकारियों ने डिप्टी कलेक्टर पर धमकी देने का आरोप लगाया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारियों ने कहा डिप्टी कलेक्टर अनावश्यक दबाव बनाकर कार्य करवा रहे हैं। वाराणसी में एक पेंटर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई हाथों वाली तस्वीर बनाई, जिसमें पीएम मोदी को स्वच्छता का संदेश और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाया गया। गाजीपुर में तमंचे के साथ डांस का वीडियो वायरल। जन्माष्टमी पर पूजा पंडाल का बताया जा रहा वीडियो। तमंचे के साथ डांस को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ। मुरादाबाद के मझूला थाना क्षेत्र में गार्ड को अज्ञात बदमाशों ने मारी गोली। मौके पर पहुंची पुलिस ने गार्ड को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय कुकर की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम मयंक और अंकुश, दोनों के कब्जे से 1 तमंचा और कारतूस बरामद। पुलिस के मुताबिक 2018 में हुए झगड़े की रंजिश को लेकर बीजेपी नेता की हत्या की गई। संजय कुकर की मंगलवार सुबह उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी जब वो मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। संजय खोकर के बेटे अक्षय ने तहरीर देकर 4 लोगों के खिलाफ नामजद जबकि 1 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। वहीं गिरफ्तार आरोपियों के परिजन उन्हें बेकसूर बता रहे हैं। मथुरा यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 4 लोगों को दर्दनाक मौत हो गई। हादसा माइलस्टोन 106 के पास हुआ। तेज रफ्तार कैंटर खड़ी बस से जा घुसा। वाराणसी में एयरपोर्ट की बाउंड्री वॉल गिरी। तेज बारिश और जलभराव से गिरी दीवार। एयरपोर्ट के ऑपरेशन क्षेत्र की बाउंड्री वॉल गिरी। ड्रीम प्रोजेक्ट अर्थगंगा के सपने को साकार करने के लिए पीएम मोदी ने जिस क्रूज का उद्घाटन किया था वो वाराणसी पहुंचा। क्रूज को केंद्र सरकार ने यूपी सरकार को मुहैया कराया। जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने महिला और उसके परिजनों को लाठी डंडों से पीटा। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा। खड़े ट्रक से टकराई कार। हादसे में 3 लोगों की मौत, 1 घायल। शाहजहांपुर में मेडिकल कॉलेज में छात्रा के सुसाइड की कोशिश के केस में मुकदमा दर्ज। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल AK शुक्ला समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मंगलवार को मेडिकल कॉलेज की छत से कूदी थी छात्रा। मेडिकल कॉलेज प्रशासन पर लगाया था उत्पीड़न का आरोप। थाना तिलहर के वरुण अर्जुन मेडिकल कॉलेज का है मामला। अमरोहा में एक युवक और युवती ने सोशल मीडिया पर गृहमंत्री अमित शाह से अपनी जान बचाने की गुहार लगाई। वीडियो वायरल करने वाले चंद्रशेखर और इरम दोनों अलग अलग धन के। इरम ने अपनी और अपने पति चंद्रशेखर की जान बचाने के लिए गृहमंत्री से गुहार लगाई। आरोप है कि लड़की पक्ष इसे मंजूर नहीं कर रहा। इरम को जबरन उठाने की कोशिश हो रही है।